डिफरेंशिएशन का 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 में वाई बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स दिया है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाई, वाई बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है। अगर ये टेन इनवर्स जो है सेक इनवर्स एक्स होता तो सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको सेक में चेंज करने के लिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पी होता है ये बी होता है। तो वाई बराबर मेरा क्या है, पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम इसको चेंज कर देते हैं उस फार्मूले पे जो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े हैं, सेक सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। तो क्या लिखेंगे, सेक सेक इन्वर्स क्या लिखेंगे, एच बाई बी होता है सेक में, तो एच कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी क्या होगा, बी मेरा 1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 दे चुका है। तो वाई बराबर मेरा क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत ही आसान है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेन रूल से बनेगा ये, रूट है और एक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 2 कटेगा तो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है वाई बराबर साइन एक्स क्यूब। वाई बराबर साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, वाई बराबर साइन एक्स क्यूब। तो इसमें भी 2 फंक्शन है, 2 बार डेरिवेटिव होगा, जैसे इसका हम कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें देख लेंगे जो भी हो। और अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, 15 में मेरा वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स दे रहा है, तो टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या कैसे करेंगे, ये 14 है हो जाएगा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी 2 फंक्शन है, एक स्क्वायर है और एक टेन एक्स है, तो स्क्वायर का पहले होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 tan x हो जाएगा, x का पावर n वाला फार्मूला पे लगाएंगे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू टेन का क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा उस पर टिक आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा वाई बराबर कॉस लॉग एक्स, वाई बराबर कॉस लॉग एक्स, 16 नंबर क्वेश्चन, वाई बराबर कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसमें भी 2 फंक्शन है, चेन रूल लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एक्स का वैल्यू मेरे एक्स के स्थान पे क्या है लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, वाई बराबर एक्स की, ये तो बहुत ही आसान है, 17 नंबर में दिया वाई बराबर एक्स क्यू, ये तो सिंपली एक्स का पावर एन पे लग जाएगा इसका फार्मूला, इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा 3x2, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 18 में क्या दिया हुआ है मेरा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये तो डायरेक्टली फार्मूले पे ही है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x2, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरा 19 में, डी कॉस इनवर्स एक्स, तो डी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल है, इसमें −1/√1 − x2 हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा मेरा।
जैसे इसमें क्या दिया है, 20 में मेरा दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसका जो भी वैल्यू होता है क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो जब पाई बाई टू का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी क्या है, पाई बाई टू तो कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये भी इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है, इतना बराबर पाई बाई टू होता है, और पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान। अगला है डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसमें भी क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसका भी पाई बाई टू ही होता है इनवर्स में, ये फार्मूला है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई टू का, तो इसका भी जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये तो सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन ए एक्स। तो टेन ए एक्स में ये दो फंक्शन है, समझिएगा ध्यान से, टेन एक्स में दो फंक्शन है, टेन और एक ए एक्स। तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग जानते हैं सेक का स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो सेक का स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे तो एक्स होगा, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ए होगा। तो ए इंटू सेक का स्क्वायर एक्स, तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, ए सेक का स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट में दिया है 25 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो पहले तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं x का पावर n है, तो x का पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन होता है। तो इसी फार्मूले पे ये टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स। तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कहाँ पे मेरा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट मेरा दिया हुआ है सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, डायरेक्ट फार्मूला आएगा, इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को कि फार्मूला एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक का याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। कैलकुलस में तो पूरा फार्मूला ही आता है, लगभग अधिकतर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तो कम से कम जरूर याद होना चाहिए। अगला दिया हुआ है मेरा साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें भी क्या है, दो फंक्शन है, साइन एक लॉग एक्स। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है वाई बराबर एक्स का पावर फाइव। वाई बराबर एक्स का पावर फाइव का डेरिवेटिव तो सिंपल है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन पे लगेगा ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू एक्स का पावर फोर। तो फाइव इंटू एक्स का पावर फोर कहाँ पे है, सी। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 है। 29 भी बहुत ही आसान है, लॉग एक्स देखिए, डायरेक्ट फार्मूला, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो इसका वन अपॉन एक्स करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है एक्स का पावर एक्स। तो एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। y बराबर अगर x का पावर x आने लगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा तब हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग से बनाएंगे बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो लॉग y हो जाएगा, लॉग y, लॉग दोनों तरफ लेना है, x का पावर x हो जाएगा। तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग वाई का डेरिवेटिव हमारा होता है वन अपॉन वाई, और हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आप लोग को तो पता होगा कि ये चेन रूल से ये बनेगा।
और ये यू इंटू भी पे होगा, ये यू इंटू भी वाला फार्मूला लगा देंगे। एक्स को हम लोग छोड़ेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अगर लॉग एक्स को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कटेगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई में आ जाएगा, वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स का पावर एक्स है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग एक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मेरा क्या, वाई बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स, तो वाई बराबर टेन इनवर्स, वाई बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव पहले बताइए क्या होता है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/(1+x²) होता है, ठीक है, इनटू रूट एक्स का फिर करेंगे क्योंकि दो फंक्शन है, एक इनवर्स है कि रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/(2√x). ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/(2√x) इसका 1+x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, डी, डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव को तो ये तो डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है इसका, -1/(1+x²), ये तो याद ही होगा आप लोगों को। अगला है log sec x + tan x, log sec x प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ऐसे देखिएगा, y बराबर क्या दिया है, log sec x + tan x। ठीक है, log sec x + tan x का डेरिवेटिव करना है, तो इसमें भी दो ही फंक्शन है, एक लॉग है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चेन रूल लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1/x), एक्स का वैल्यू क्या है, sec x + tan x। ठीक है, अब चेन रूल लगाना है, इसको भी तो करना है, तो sec x का क्या होता है, sec x into tan x। ठीक है, और यहाँ tan x का क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x। ठीक है, sec²x, तो यहाँ पे मेरा sec x एक कॉमन दिख रहा है, तो sec x + tan x में sec x हम कॉमन ले लें तो क्या दिखेगा मेरा, sec x plus tan x क्या अब दिखेगा, sec x। तो ये sec x + tan x और sec x + tan x कटेगा तो ये sec x बचेगा। ठीक है, इसका dy/dx क्या हो जाएगा, sec x। sec x कहाँ पे है मेरा, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ समझिएगा, ये क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, x² * y³ = x + y का पावर 5 है। ठीक है, x + y का होल पावर 5 है। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 5 मार्क्स में भी आता है, तो 5 मार्क्स का अलग तरीका होता है, ऑब्जेक्टिव का अलग तरीका होता है, तो सुनिएगा, इसमें हम एक बात आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक, कि जैसे x और y और x + y इस तरह से आने लगे, कोई भी फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। तो देखिए, तो ये फंक्शन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर 0,0 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसमें 0,0 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 0,0 रखने पे इक्वल 0 = 0 आ जाता है, और डिग्री सेम होना चाहिए, ओरिजिन को सेटिस्फाई करना चाहिए और 0 और उसका डिग्री सेम होना चाहिए, और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और वो होमोजीनियस होगा, तो होमोजीनियस तो हम अपने लेक्चर में बताएंगे डिटेल में, ठीक है, किसको बोलेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा कि अगर x² y³ = x + y का पावर 5 आने लगे तो इसका dy/dx y/(x) होता है, डायरेक्टली याद रखिएगा, क्योंकि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और होमोजीनियस फंक्शन का डेरिवेटिव y/(x) ही होता है। जैसे और हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, जैसे मान लेते हैं y^(5)x³, और यहाँ पे दे दिया x + y का पावर क्या दे दिया, 18, 8 दे दिया। ठीक है,
तो इसका क्या dy बाई, सर ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। हाँ एकदम है, x प्लस वाई भी पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्या डिग्री सेम है? हाँ डिग्री सेम है। यहाँ पे देखिए 5 है ये 3, ये दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, इसमें भी क्या है 8 है। तो इसका dy बाई dx सिंपली है, हम लोग क्या करेंगे y अपॉन x बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, हम डिटेल में अपने लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा मैं अपना लेक्चर डिफरेंशिएशन में, तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आगे क्या होगा, जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं कि वाई का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 5, ठीक है, इस तरह से ले लिए और एक्स प्लस वाई का पावर 7 दे दिया, ठीक है। तो क्या ये तो सर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी है, तो इसका तो वाई वाई अपॉन एक्स होना चाहिए डी वाई बाई एक्स, तो नहीं, इसका वाई अपॉन एक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका डिग्री 8 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका जो भी होगा डेरिवेटिव इसका डी वाई बाई डी एक्स कभी भी वाई अपॉन एक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि डिग्री सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन और पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, तब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो जनरली तो बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा होमोजीनियस ही, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर एक्स प्लस वाई का पावर क्या m जोड़ m, तो सही बात है, ये इसका जोड़ेंगे गुना है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसमें कोई भी हम m n का वैल्यू रखेंगे और इसमें रखेंगे तो दोनों डिग्री सेम होगा, ठीक है। तो इसका भी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स से। इसको सब्जेक्टिव तरीका क्या होता है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स अरेंज कर दीजिएगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ मेरा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नंबर के, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 + x² प्लस कॉट इनवर्स 1 √ 1 + x². क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो रूट में है, इतना सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ, एक्स अगर मान लें तो ये भी एक्स होगा, तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई टू। तो पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाई टू का डेरिवेटिव मेरा जीरो हो जाएगा, तो क्योंकि इसका ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 36। 36 में क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम dx से डिवाइड कर देते हैं, नीचे और ऊपर दोनों में हम dx से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 का पावर x dx, ठीक है। तो 2 का पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 का पावर x का डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा 2 का पावर x log 2, ठीक है, और 3 का पावर x का क्या हो जाएगा 3 का पावर x log 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बाई 3 का पावर x इसको लिख सकते हैं इतना को, और log 2 बटा log 3 को क्या लिख सकते हैं log 2 बेस 3। ये बेस चेंजिंग थ्योरम होता है, log में एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, इसमें log में क्या पढ़े हम लोग कि अगर log a बेस b रहेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log b। तो ये प्रॉपर्टी है log का, आप लोग को याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 37 नंबर, y बराबर क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 + cos x। इसका डेरिवेटिव निकालना, ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम बताते हैं। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, y बराबर क्या दिया हुआ मेरा, डेरिवेटिव ऑफ y बराबर, डेरिवेटिव ऑफ y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन 1 + cos x, ये दिया हुआ है मेरा, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव एकदम आसान है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको टेन में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, टेन में इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये सब मल्टीपल एंगल का एक सूत्र होते हैं, आप लोग को पता होगा। वन प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, बराबर टेन इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन एक्स बाई टू। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ये सारा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो, पूरा वीडियो देखकर ही हम लोग जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, वाई बराबर टेन इनवर्स टेन एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, वन अपॉन टू, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर, तो वन बाई टू इसका आ जाएगा। दो नंबर में भी पूछेगा तो इस तरह से बनाइएगा, और बनाने का ये सही तरीका है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वाई बराबर लॉग लॉग एक्स बेस सेवन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम पे इसको तोड़ देंगे, क्योंकि अगर बेस कांस्टेंट आने लगे तो डायरेक्टली हम इसका इसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको बेस चेंजिंग पे हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या है ये लॉग, इसको थोड़ा देर के लिए हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हम बताए थे पिछले बार में, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होता है, लॉग ए बेस बी बराबर लॉग ए अपॉन लॉग बी होता है, ठीक है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग लॉग एक्स अपॉन में लॉग सेवन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब तो लॉग सेवन तो हम इसको बाहर रख सकते हैं, वन अपॉन लॉग सेवन, और लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो अब कर सकते हैं, दो फंक्शन है, दो बार डेरिवेटिव होगा, लॉग लॉग एक्स का वन अपॉन लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो इसका हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये पैरामेट्रिक का क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे वाई बराबर कॉस एक्स दिया, एक्स बराबर साइन एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा, तो पहले तो हम लोग इसको करेंगे डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस टी आ जाएगा, अगर इसको यहाँ पे टी है तो वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस में साइन टी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपली ये वाला पार्ट लिखेंगे, माइनस साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी को लिखेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस टी, तो मेरा आ जाएगा माइनस टेन टी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और बोर्ड एग्जाम में जरूर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इनफिनाइट तक का हम लोग को डिफरेंशिएशन पूछता है, तो कैसे इसको बनाएंगे, सिंपल है, जैसे देखिए ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स है, तो ये फंक्शन जहाँ से रिपीट होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जो इस साइड वाला फंक्शन होगा उसी को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, जैसे मेरा क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है क्या, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से वाई मान लेते हैं, क्योंकि ई का पावर एक्स पढ़ने में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अगर यहाँ से भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो पढ़ने में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो रीड करने में चेंजिंग ना हो तो उसको हम लोग, जो ये फंक्शन है वाई है तो वाई यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर एक्स रहेगा तो यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होता है, और एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, वन, एक्स का वन वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वाई लिख सकते हैं, और सॉल्व कर देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई
प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, वन माइनस वाई बराबर वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वन माइनस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है, तो चलिए देखिएगा। रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट डॉट डॉट, अगर सेम सेम आने लगे तो सारा का वही है, वही कंसेप्ट लगेगा जो इसमें लगेगा। जैसे सेक एक्स प्लस रूट अंडर सेक एक्स प्लस रूट अंडर सेक एक्स आने लगे तो सेम कंसेप्ट यही लगेगा। जैसे क्या कंसेप्ट है इसका, कि जैसे रीड करने में हमको पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे, तो जहां से सेम लगे वहां से हम लोग क्या मान लेंगे, उसको वाई मान लेंगे, जो यहाँ पे है वही इसको हम लोग कंसिडर करें। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो पहले तो वाई बराबर मेरा फंक्शन जो हो गया साइन एक्स प्लस वाई हो गया, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो या तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, और वन अपॉन क्या हो जाएगा, टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये, ठीक है। और इन टू इसका भी तो करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस डी वाई वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन बाई, इसको टू वाई लिखेंगे क्योंकि ये वाई का वैल्यू है, इन टू क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो हम इसको गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन टू वाई प्लस में वन अपॉन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर हम लोग ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को फिर कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जैसे लेंगे तो क्या देगा वन माइनस वन अपॉन टू वाई बराबर क्या देगा मेरा कॉस एक्स अपॉन टू वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टू वाई माइनस वन अपॉन टू वाई बराबर कॉस एक्स अपॉन टू वाई, टू वाई से टू वाई कैंसिल होगा, मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन वाई बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस टेन एक्स है, ठीक है। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको समझिएगा ध्यान से। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीका हम बता देते हैं, उसमें हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। जैसे देख लीजिए वाई बराबर टेन इनवर्स क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हम दोनों में अंश और हर में क्या करेंगे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, जैसे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे मेरा क्या आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और कॉस से कॉस कटेगा वन माइनस टेन एक्स हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई बराबर टेन इनवर्स वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये मेरा टेन आ जाए, ये वाला पूरा टेन आ जाए, तो टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको टेन में ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं क्योंकि टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है, और ये टेन एक्स हो जाएगा होल अपॉन वन माइनस, अच्छा यहाँ पे वन छुपा हुआ है, इसको हम वन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, सेम टू सेम इस तरह से लिख देंगे। वाई बराबर मेरा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी मतलब पाई बाई फोर प्लस एक्स, ये तो फॉर्मूला है आप लोग जानते होंगे। अब टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर मेरा क्या होता है एक्स होता है, ये तो पता ही होगा, तो मेरा पाई बाई फोर प्लस एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा पाई का जीरो एक्स का वन, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा वन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे वाई बराबर लॉग साइन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू रूट फाइव बाई टू देन डीवाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे देखिएगा ये भी इसमें तीन फंक्शन है, एक लॉग है, एक साइन है, एक एक्स स्क्वायर। इसका एक्स का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव करके फिर एक्स का वैल्यू हमको पुट कर देना, और जो भी आंसर आएगा इसमें ऑप्शन हम लोग को दिख जाएगा। तो चलिए देखिए इसको डेरिवेटिव पहले करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है मेरा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एक्स बराबर रूट पाई बाई टू पुट कर देना है। यहाँ पे जैसे रखेंगे वन बाई साइन पाई बाई मेरा क्या आ जाएगा, जैसे रखेंगे पाई बाई फोर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस पाई बाई फोर आ जाएगा, टू इंटू यहाँ पे क्या रखना है हमको रूट पाई बाई टू रखना है। ठीक है, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन साइन पाई बाई फोर और कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये रूट पाई आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।